हमारे बीच सूरज कुमार उपस्थित हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित दसवीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे स्टेट में दसवां रैंक स्थान प्राप्त किया है। और ये जो हैं गया जिला के सुदूरवर्ती प्रखंड इमामगंज के कोसमा गांव के रहने वाले हैं। तो आज इनसे हम लोग बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इस बातचीत में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये इस रैंक तक पहुँच पाए और इनकी आगे की इच्छा क्या है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न करने से पहले इनको अपने 10 रैंक प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो पहला प्रश्न है सूरज आपसे कि क्या आप अपने इस रैंक से संतुष्ट हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपने इस YouTube चैनल पर मुझे बोलने का मौका। आपका सवाल है कि मैं इस रैंक से संतुष्ट हूँ या नहीं। तो देखिए, जीवन में किसी भी मानव को अगर जिंदगी भर की भी खुशी मिल जाए, फिर भी उसकी अभिलाषा रह जाती है कि मुझे इससे बेहतर कुछ मिलता। जिस प्रकार आज मुकेश अंबानी भी, जो कि आज इतना अच्छा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मैं और ज़्यादा अच्छा करता। मुझे इस बात का तकलीफ है कि मुझे 10वां रैंक पे रखा गया है, जो कि निराश करने लायक होता है। कहीं ना कहीं मेरे से ऊपर भी कई छात्र अभी हैं जिन्हें मैं पीछे छोड़ने में थोड़ा असफल रहा, लेकिन मैंने 16 लाख स्टूडेंट को टक्कर देते हुए 600 वेरिफिकेशन को पार करते हुए 10वां रैंक हासिल किया, जो कि एक अपने आप में उपलब्धि है। बिल्कुल, एक विद्यार्थी में जो गुण होना चाहिए उस तरह से आपने जवाब दिया है कि इस मुकाम से भी आप आगे जाना चाहते हैं और हमारी कामना होगी कि आप भविष्य में आगे बिल्कुल जाएं। तो अगला सवाल है आपसे कि आपकी सफलता में निसंदेह आपके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान रहा होगा। अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अगर कोई मनुष्य सफल होता है तो उसके पीछे कई लोगों का श्रेय होता है। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को ये श्रेय अर्जित करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपने गुरुजनों को भी ये श्रेय अर्पित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमारे मोहन सर, जो कि आदर्श रच के मध्य विद्यालय कोसमा के प्रधानाध्यापक हैं, उनका योगदान इसमें बेहद ही सराहनीय रहा। इसके पश्चात मैं ये श्रेय राजेश सर को देना चाहता हूँ, जो अंबेडकर क्लासेज नामक एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं। मुझे बेहद ही खुशी की अनुभूति हो रही है कि मोहन सर और राव सर के बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, और मैं आगे भी इससे बेहतर करने का प्रयास करूंगा। मैं सर के लिए कुछ लाइन पेश करना चाहता हूं कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात पूरे धरती को कागज मान लिया जाए, सात समुद्र को स्याही मान लिया जाए, और पेड़ पौधों को कलम मानकर भी अगर गुरु के गुण को लिखा जाए तो लिखना असंभव है, उनके महत्व को लिखना असंभव है। जो योगदान एक छात्र को उसके टीचर के द्वारा सफल पहुंचाने में, सफल दिलाने में जो होता है, वो सराहनीय होता है। मैं अपने गुरुजनों को आदर्श रूप बिल्कुल। अगला प्रश्न आपसे है कि दसवीं की तैयारी के लिए आप कितना घंटे पढ़ते थे? ये सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों का रहता है, तो इसका जवाब आप अपने अनुभव से बताएं। देखिए, कई छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक समय तक पढ़ते हैं, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई के साथ साथ नींद भी बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कुछ पढ़े हैं और अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई है तो उसे स्मरण रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि किसी भी चीज को याद रखने में नींद की अहम भूमिका होती है। मैं अपने पढ़ाई को कभी घंटे में नहीं तौला हूँ। मेरा उद्देश्य होता था कि मैं इसे घंटे में ना करके, बल्कि जो पढ़ाई असलियत में होती है वो करें। मेरे गुरुजी भी कहते थे कि
तुम नंबर के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ो, ताकि जो ज्ञान है वो किसी भी क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन मार्क्स जो कि एक कागज के टुकड़े पर लिखा होता है, इसे 2-3 दिन के अंदर याद रखा जाता है रिजल्ट के बाद, और फिर इसे कोई याद भी नहीं रखता। लेकिन ज्ञान पाकर कुछ उन्नति कर जाना, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। मेरे लिए यह उद्देश्य होता था कि क्या कितना पढ़ना है वो मायने नहीं रखता, बल्कि क्या पढ़ना है वो मायने रखता है। मैं सभी छात्र से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका जितना मन हो सके दिल से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। ये ना कि मैं 10 घंटे आज पढ़ा हूँ तो मेरे से ज़्यादा आज कोई नहीं पढ़ा है, इसका मतलब मैं आज ज़्यादा पढ़ लिया हूँ, ये नहीं होता है। बल्कि पढ़ाई का मतलब होता है कि अच्छे से बुक रीडिंग करना। रट्टा भी काम नहीं करेगा आपको, जो चीज़ समझा होता है वो जीवन भर आपको याद रहेगा, लेकिन जो रटा हुआ चीज़ है वो आपको कुछ क्षण भर के लिए याद रहेगा। बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि कंसेप्चुअल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रटने वाली चीज़ें सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रहते हैं, बाकी कंसेप्चुअल होता है। और पढ़ाई में रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है, और जो उसे आपने बखूबी निभाया है, वो अपना अनुभव साझा कर रहे थे, विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा, और वे इनको फॉलो करेंगे। अगला प्रश्न है आपसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी के लिए आपने किस प्रकार से योजना बनाई और कैसे तैयारी किया? देखिए, अगर पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, कि अगर पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती, लेकिन मानव का इतिहास न होता, मानव की इतिहास न होता। देखिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी और सब्जेक्टिव की जो तैयारी है वो आपको एनसीईआरटी पे आधारित करना होता है, और ज़्यादा कीजिएगा कि इसी पे आधारित तैयारी हो। मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो तैयारी किया हूँ वो पढ़ कर तैयारी किया हूँ, मतलब बुक रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया हूँ, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया, और मैं जितना हो सके अपना समय बुक स्टडी पर ही किया। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। बुक से आपने तैयारी किया, ऑब्जेक्टिव का लाइन बाय लाइन आपने पढ़ा, और उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार किया, और ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव बनता है, और सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, जैसा कि आप कहना चाह रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप एलैबोरेट करके बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी आपने कैसे की, क्योंकि 50% क्वेश्चंस सब्जेक्टिव आते हैं और 50% ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो सब्जेक्टिव का भी अपना एक अलग भूमिका है, और टॉपर वही बनते हैं जिनका सब्जेक्टिव अच्छा होता है। तो इसके लिए आपने किस प्रकार से प्रयास किया, कोशिश किया? देखिए, सब्जेक्टिव का अर्थ होता है लंबा उत्तर, जो आपको शुद्ध हिंदी सही राइटिंग के साथ लिखना होता है। मैंने सब्जेक्टिव की तैयारी नोट्स बनाकर किया, अच्छे तरीके से मैंने खुद का अपना नोट्स तैयार किया बुक पढ़कर, और उसी से मैं सब्जेक्टिव की तैयारी किया। बिल्कुल, नोट्स बनाना आवश्यक है ताकि आगे जो समय बचता है उसमें आपका अच्छे से प्रयोग किया जा सके, प्रैक्टिस हो सके। अगला क्वेश्चन है कि राइटिंग, जो लिखावट है, इसका क्या महत्व है? किसी भी सवाल के जवाब देने में राइटिंग का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको अगर राइटिंग अच्छा नहीं है तो जो जांच करने वाले होते हैं वो भी अच्छे से जांच नहीं कर पाते हैं। राइटिंग का जो योगदान होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो जो आपका राइटिंग है वो अच्छा होना चाहिए। आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन राइटिंग का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। राइटिंग का जो सुधार है वो आपको 5वीं 6वीं से ही लगातार करनी होगी। अगर आप अचानक चाहेंगे कि 10th क्लास 9th क्लास में कर लें तो ये थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि 9th 10th में आपको सिलेबस पे फोकस रहता है, और आप अगर उस समय राइटिंग सुधारना चाहें सुधार करना चाहेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए आप पहले से ही प्रयास किए होंगे तो अच्छी बात है कि राइटिंग मेरा अच्छा हो। ठीक है,
मैं इसमें एक वाक और जोड़ना चाहूंगा कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं जो बोर्ड की परीक्षा आगे आने वाले टाइम में देंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि अचानक से राइटिंग में सुधार नहीं लाया जा सकता है, तो इसके लिए मैं अभिभावकों से और हमारे जो गुरुजन हैं, सम्मानित गुरुजन, उनसे भी कि वे कोशिश करें कि बच्चों को पांचवी छठी क्लास से ही उनके राइटिंग पर ध्यान दिया जाए, तो फिर धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा और फिर आगे आने वाले टाइम में उन्हें काफी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगला प्रश्न है आपसे कि रिवीजन किस प्रकार से करना चाहिए, रिवीजन मतलब कब से शुरू कर देना चाहिए, ये आपसे सवाल है। देखिए, जो ज्ञान है उसकी रक्षा रिवीजन अर्थात अभ्यास से ही होती है, तो ये अभ्यास आपको एग्जाम से करीब 2-3 महीने पहले से, अर्थात अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, दिसंबर से ही आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे फायदेमंद होंगे। और ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव अगर केयर करना है तो बुक रीडिंग के साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक पे भी ज़्यादा फोकस कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन बैंक को भी आप प्रैक्टिस करें ताकि बोर्ड में आने वाले प्रश्नों का आपका जो पैटर्न है वो उसकी जानकारी आपको आराम से आसानी से पता चल जाए। तो सूरज, आगे जो 10th क्लास के बच्चे जो आगे 10th बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए आपका संदेश क्या होगा? जो भी छात्र इस वर्ष एग्जाम देंगे उनके लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप जिस प्रकार तैयारी किए हैं उसी प्रकार तैयारी को बरकरार रखें। आपको घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो घर गया, इसलिए आपको डरना नहीं है। और मैं बता दूं कि जब रामायण का एक भाग है कि जब बजरंग बली जो कि हनुमान जी हैं माता सीता की खोज करने के जब समुद्र को लंघ कर जा रहे थे तो एक उनका राक्षसी से सामना हुआ जिसका नाम सुरसा था। तो जब सुरसा एक योजन का मुंह करते हैं तो हनुमान जी 2 योजन का हो जाते हैं, एक योजन बराबर होता है 8 मिनट, और जब सुरसा 2 योजन का मुंह करती है तो हनुमान जी 4 योजन के हो जाते हैं, जब सुरसा 4 योजन का मुंह करते हैं तो हनुमान जी 8 योजन के हो जाते हैं, और जब सुरसा 64 योजन का अपना मुख कर लेते हैं तो हनुमान जी सोचते हैं कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तो हनुमान जी छोड़ देते हैं और उनके मुख से जाकर अंदर बाहर निकल आए और बोले कि लीजिए माँ, मैं तुम्हारी बात भी रखे और मैं अपनी भी। तो संदेश इससे ये मिलता है कि जब ताकत दिखाने की बारी आई तो बड़े हो गए, जब बुद्धि दिखाने की बात आई तो छोटे हो गए। तो बुद्धिमान लोग हमेशा छोटे ही होते हैं। आप दिखावे से दूर ही रहिएगा कि हम ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, अच्छे अच्छे महंगी किताबें कॉपियां पेन लेकर जा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। तो ज्ञान आपको अच्छे से अर्जित करना होता है। मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा कि वो शौक भी पूरे होंगे वो इरादे भी पूरे होंगे, कि वो शौक भी पूरे होंगे वो इरादे भी पूरे होंगे, तू मेहनत तो कर, रात में देखे हुए तेरे ख्वाब भी पूरे होंगे, तेरे ख्वाब भी पूरे होंगे। वाह, आपने रामायण की कहानी से लोगों को एक संदेश दिया, और जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें जरूर लाभ मिलेगा, और मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो विद्यार्थियों के लिए संदेश यही है कि मेहनत कीजिए, सही स्ट्रेटजी अपनाइए, जहाँ पे बुद्धि की आवश्यकता है, जो जैसा कि उन्होंने कहा बुद्धि यूज करना है, जहाँ शक्ति की आवश्यकता होगी वहाँ शक्ति भी प्रयोग कर लेना है, क्योंकि आपको एनर्जी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा और सही डिरेक्शन में यूज करना होगा। तो सूरज, आप यहाँ पर आए, आपने बताया लोगों को, उस बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, लोगों को संदेश भी जा रहा है। एजुकेशन पॉइंट इमामगंज संस्थान आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मे यू रॉक इन द फ्यूचर एंडेवर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।